फाजिलका के गांव जग्गड़ भैनी का 10 वर्षीय बच्चा मुनीश कुमार और उसका पिता दोनों आज सुबह खेतों में पानी लगाने गए थे, जहां ये बच्चा खाल से बहते हुए पानी को बंद करने लगा तो अचानक जहरीले सांप द्वारा उसे काट लिया गया, जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों द्वारा उसे फाजिलका अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई, जहाँ अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जहाँ इस घटना संबंधी मृतक बच्चे के परिवार सदस्यों ने बताया कि बच्चा और उसके पिता दोनों सुबह 5 बजे खेतों में पानी लगाने गए थे, जहाँ बच्चा टूटी हुई खाल को बंद करने लगा तो वहाँ पर बैठे सांप ने उसे आंख के ऊपर काट लिया। वहीं इस घटना पर मृतक बच्चे के रिश्तेदारों और गांव के सरपंच ने कहा कि यह परिवार बेहद ही गरीबी की हालत में अपना गुजारा कर रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब परिवार के साथ हुई इस घटना पर सरकार द्वारा बनता उचित मुआवजा दिया जाए। मैं सरपंच रमेश चंगड़ बैनी और राम सिंह बैनी तो इन्हों का लड़का सवेरे तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे के तकरीबन आदि खेत गए थे। खेत झोने की लागत चल रही ला रहे ने, ये बच्चे नाल लैके गए सवेरे सवेरे चा गया नाल, तो ये अगे टोक ला लिया ला रहा है, तो पिछू एक पानी लीक हो रहा है खाले का, वो खाले नू बन लान लग्या बन्न लग्या तो उत्थे सप्प पिया सी अगे बन्न लग्या सार ही उन्हें मत्थे ते अख दे उपर उपर सैड तो उन्हें डंग ला लिया जी, तो ये नुकसान इन्हों का हो गया है, तो बच्चे की डैथ हो गई मौके दे 15 मिनटा बाद। तो असी सरकार तो ये मंग करते हैं भी इनू जी माली सहायता दी जाए, गरीब परिवार के बच्चों इन्हों की बच्चा है तो इन्हों जी बनती मुआवजा ज माली सहायता दी जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रेम सिंह जी जी बच्चे सप्प ला के बच्चे की डैथ हो गई, खेत पानी ला रहे थे तकरीबन 5 बजे का समा से 4:30 बजे, बच्चा साढ़े नाल से पिछे पिछे आई जाता से पानी टुटिया तो हाथ ना बन्न लगे तो उन्हें सप्प लड़ गया इतने अख ते खब्बी अख ते। फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, जनहित एशिया।